आ जाइए। सो हाय जमशेदपुर, मैं आपको दिन पर आए थे हम और खूबसूरत सीन्स दिखाए थे, अब हम आपको लाइटिंग्स दिखाएंगे जो आज फर्स्ट लाइटिंग हुई है। लाइटिंग तो रेगुलर हो रही थी लेकिन आज जब खुल चुके हैं पार्क सरदार आबजी टाटा पार्क, तो हम आपको लाइटिंग्स दिखाएंगे। तो आज से ही शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक पार्क्स खुलेंगे और हम उसी की लाइटिंग्स आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको जब बाहरी से व्यू मिल रहा होगा, ये डायमंड का जो व्यू है, डायमंड की स्टोरी हमने शाम को बताई थी, फिर हम आपको बताएंगे। तो ये जो नाइट व्यू है वो हम नाइट व्यू आपके पास लेकर आए हैं। ये जो सरदार आबजी टाटा पार्क आज शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुलेगा और काफ़ी अभी इंस्टेंट आज पहली बार खुला है, उसके बाद काफ़ी भीड़ है अभी फ़िलहाल। देख सकते हैं कि जितना भी शॉर्ट नोटिस पे ही लोगों को पता चला है कि जब से खुल गया है तब से काफ़ी भीड़ है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप जैसे एंटर करेंगे ये डायमंड्स हैं और अच्छी लाइटिंग है, मतलब ये लाइट कंटिन्यूस चेंज होते रहेगा। और जो मूर्ति है, जब लास्ट बार जब ये मोदी पार्क था तो उस वक्त जो घास है उस पर लाइट्स नहीं थे, तो ये थोड़े से चेंजेस हुए हैं कि अब लाइट्स घास पर भी लाइट्स दिए गए हैं। तो अब इसकी स्टोरी बता दूं मैं, आज ही के दिन इसका उद्घाटन इसलिए हुआ क्योंकि 1859 में 27 अगस्त, यानी आज ही के दिन 1859 में सरदार आबजी टाटा का जन्म हुआ था बॉम्बे में। उस वक्त बॉम्बे था, अभी मुंबई, तो जन्म हुआ था बॉम्बे में। और सरदार आबजी टाटा ही वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 1907 में टाटा स्टील, 1910 में टाटा पावर जो उस टाइम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर था, और 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की थी। बहुत बड़े स्पोर्ट्स लवर भी थे और उन्होंने 1924 में जो हमारी स्पोर्ट्स टीम गई थी बाहर खेलने, उन्होंने वो भी फाइनेंस किया था। इसके साथ ही ये डायमंड जो शेप है उसकी कहानी ये है कि 1924 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद टाटा स्टील का इतना फाइनेंशियल हालत ख़राब हो चुका था कि वो अपने लेबर को पेमेंट देने के लायक भी नहीं थे। तो 1924 में इतना हालत ख़राब हो गया था कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट यानी सैलरी भी देने के लायक नहीं थे। तब 1924 में सरदार आबजी टाटा और इनकी वाइफ लेडी मेहरबाई टाटा ने बहुत सारी चीज़ें अपनी लोन पर रखीं, उसमें एक चीज़ था जो डायमंड था, जो वो डायमंड कोहिनूर के ठीक दोगुना था, कोहिनूर के शेप का, और दुनिया का छठा सबसे बड़ा डायमंड था। उसको उन्होंने गिरवी रखा इंपीरियल बैंक में और लगभग 1 करोड़ रुपए उस टाइम मिले थे। तो अब ये थे सर सरदार आबजी टाटा का स्टैचू जो 1995 में सर जे भाभा जो थे उस टाइम डायरेक्टर थे टाटा सन्स के, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। और इनके ठीक सामने जो इनकी वाइफ है लेडी मेहरबाई टाटा, जिन्होंने अपना डायमंड गिरवी रखा था टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ की पेमेंट के लिए, उनका स्टैचू है। तो इम्पीरियल बैंक में लगभग 1 करोड़ रुपये पर यह जो डायमंड है, दुनिया छठा सबसे बड़ा डायमंड, उसको गिरवी रखा गया था। तो लेडी मेहरबाई टाटा ने ही रखा था अपने अन्य चीज़ों के साथ, तो उनकी याद में ये डायमंड बनाया गया है। ठीक सरदार आबजी टाटा जो है उनके ठीक सामने लेडी मेहरबाई टाटा की स्टैचू बनाई गई है, जो ओल्ड जो पहले मोदी पार्क था उसमें उनकी स्टैचू नहीं थी। स्टैचू ये जो आया है लेडी मेहरबाई टाटा का, ये नया स्टैचू है। तो ये देख सकते हैं आप सामने, हम आपको दिखा रहे हैं कि लेडी मेहरबाई टाटा की स्टैचू है। और अभी जो पार्क खुला है ये लगभग 2019 में बनकर तैयार था, लेकिन वो पैंडमिक के कारण और भी उसमें रेनोवेशन चल रहे थे, तो 2019 के बाद ये अब पहली बार खुला है, आज ही 27 अगस्त को खुला है ये। और इसका टाइमिंग शाम 4 से रात 8 बजे तक रखा है, मंडे टू सैटरडे, संडे पार्क क्लोज्ड रहेंगे, तो मंडे टू सैटरडे सिर्फ 4 घंटे के लिए ये आप जा पाएंगे। तो ये लेडी मेहरबाई टाटा की है स्टैचू है। इसके ठीक फिर बगल में देखेंगे जब सरदार आबजी टाटा और लेडी मेहरबाई टाटा के बीचों बीच ये जो डायमंड जिनकी हम बात कर रहे थे, जुबली डायमंड अबव कट, ये वही डायमंड है जो रेगुलर बहुत बड़ा है और कंटिन्यूस कलर चेंज कर रहा है। तो ये वन ऑफ द बहुत खूबसूरत जो बोलते हैं जमशेदपुर के खूबसूरती को 4 चांद लगाने वाला, ये पहले पार्क था मोदी पार्क,
मोदी पार्क का जो बेस फव्वारा था, ये जिसको फाउंटेन बोलते हैं, ये पहले से था, उसमें ही थोड़े से चेंजेस करके इसको और बड़ा करके और ठीक इसके बगल में यह डायमंड को बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पहली लाइटिंग है ये, मतलब जब जहाँ पब्लिक आ रही, लाइटिंग तो रोज़ कर रहे थे ये, लेकिन फाउंटेन्स आज शुरू किए हैं आज से, और पब्लिक काफ़ी तादाद में है, अच्छे खासे तादाद में पब्लिक आज इस पार्क में पहुंची है। उनको जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिली थी, अखबार और अन्य सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि आज ये पार्क खुलेगा शाम 4 से 8 बजे तक, तो इसके बीच आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और कंटिन्यूस भीड़ बढ़ते जा रही है। लगभग 8 बजे तक ये पार्क खुला रहेगा, आप भी आएँ तो और एक बार ज़रूर विज़िट करें। आप देख सकते हैं ये सामने से, अंदर से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी खालिद भी हैं, तो ये दिखाएंगे ये अंदर से और जो लाइटिंग से वो कंटिन्यूस कैसे चेंज कर रही है, ये देख सकते हैं। ये अगर आकर आप विज़िट करके देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगने वाला सीन्स है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ लाइव। तो जमशेदपुर स्टील सिटी में आप शेयर करते हैं सर एक बार, अगर जो भी हमारे लोग देख रहे हैं वो एक बार शेयर कर दें। जी हाँ, ये ओपन है फ़िलहाल तो, और शाम 4 से रात 8 बजे के बीच ओपन है, और ये देख सकते हैं आप, ऐसे हम लोग चलेंगे एक बार फिर। एक दो फाउंटेन है, पहले भी जो दो फाउंटेन था वो था, लेकिन अभी उसको थोड़ा अच्छा हाइट में ला दिया गया है, पहले तो लेवल लो था, उसको हाइट में ला दिया गया और बेहतरीन उसके ठीक सामने ये जो डायमंड है जो जमशेदपुर का, मतलब अब मेरे ख्याल से जुबली पार्क से ज़्यादा इसको जाना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन देखने को कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सामने से देखेंगे तो और खूबसूरत, भले ही हम इमेजेस या वीडियोस में जितने बार इसको देख लें, लेकिन अगर हम सामने से देखते हैं तो इसको और खूबसूरत प्रतीत हो रहा है। तो और उसके साथ सामने ही हमारा जो डायमंड है, और उसके बाद हमारा कॉन्वेंट और स्कूल्स, और जमशेदपुर की खूबसूरती में 4 चांद लगाता हुआ यह नायाब अजूबा ही कहेंगे इसे, जो टाटा स्टील ने शहर को तोहफा दिया है। और लोग काफ़ी दिन से कयास लगा रहे थे कि ये पार्क कब खुलेगा, तो मैं बता दूं कि ये पार्क आज से खुल गया है, शाम 4 से रात 8 बजे तक ये पार्क खुले रहेगा, और काफ़ी भीड़ है, मैं भीड़ दिखा दूं एक बार, हमारे बोलेंगे कि लो लाइट है पार्क में, जितना लाइट ज़रूरी होता है उतना ही है, उस हिसाब से लाइट है। तो मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा दिखा दे एक बार, कि काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, भीड़ अच्छी खासी है, और जब भी इन्हें शॉर्ट नोटिस पे मिला होगा इन्फॉर्मेशन वो आए हैं, और अपने फैमिलीज़ के साथ, ज़्यादा फैमिलीज़ आए हैं, और काफ़ी फ़ोटोशूट्स हो रही हैं। तो जमशेदपुर का एक और अजूबा मैं बता दूँ कि लाइटिंग्स में बेहद खूबसूरत, सामने से देखें आप तो, और शेयर ज़रूर करें जमशेदपुर की शान को, देखें आप भी, आएं जब मौका मिले, आप भी विज़िट करें और देखें। तो ये रेड से पर्पल हो चुका है, तो कंटिन्यूस जो है कलर चेंज कर रहा है ये डायमंड। डायमंड की स्टोरी हमने बताई, आप जमशेदपुर स्टील सिटी के साथ जुड़े थे, और यह जेआरडी टाटा स्टेडियम जो है, जेआरडी स्टेडियम के ठीक बगल में जो मोदी पार्क था, उसी का नाम अब सर दोराबजी टाटा पार्क कर दिया गया है, और उसी को देखने लोग, मैंने बात भी की कुछ लोगों से, काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं इसे देखने के लिए, अच्छी खासी भीड़ है, लगभग 500 लोग आ चुके हैं पार्क में, तो काफ़ी अच्छी भीड़ है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, जितना जितनी तारीफ़ कीजिए उतनी कम, क्लीन और प्रॉपर डिज़ाइन के साथ, क्योंकि वॉकिंग का प्रॉपर बनाया गया है पाथ, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बहुत बेहतरीन, हाईली रिकमेंडेड कि आप ज़रूर आएँ और ज़रूर देखें इसकी खूबसूरती को, और इसके जो भी कलाकृति है, जो भी स्टैचूज है, बहुत बेहतरीन बनाया गया है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप एक बार इसे ज़रूर विज़िट करें, और अपने कमेंट छोड़ें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसके साथ ही इसे शेयर करना ना भूलें, जमशेदपुर का एक बेहतरीन अजूबा, नयाब अजूबा, खूबसूरती के साथ, डायमंड के साथ आपको हम छोड़े जा रहे हैं, डायमंड का दृश्य आपके साथ रहेगा। जमशेदपुर स्टील सिटी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। मैं तनवीर एहसन आपसे विदा चाहता हूँ, हमारे साथ कैमरामैन खालिद वलीद, जमशेदपुर स्टील सिटी, धन्यवाद।